बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपके कल्चर करने से पहले मैं मोहतरम जनाब साढ़े इजाजत पेश आपकी मैगजीन प्रेजेंट करना चाहनी हूँ। ये पहला मैगजीन है जिस ने हिंगो सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया है। ये एक मोटिवेशन है उन सब कॉलेज स्कूल वास्ते कि जिस सी थोड़ी जी कोशिश करके हिंगो सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया है। हर स्कूल अपने मैगजीन बेशक दो पेज से शुरू कर त्रै सफियों से शुरू करें हिंगो पेज जरूर रख। इतने स्कॉलर्स इतने लर्नड लोगों के दरमियान मेरी गल इस तरह से जिस तरह सूर्य को चिराग दिखाना। मैं सिर्फ वो अपनी एक कहानी सुना सा, बाकी ना मैं इतनी ज्यादा नॉलेज है तो ना मैं बोलने का इतना ज्यादा तरीका वे जी मुख्तसर। ये भी मैंने सुन सुना कि बहुत ज्यादा मुख्तसर उसी जब तो मैंने इनको नहीं शुरू करना चाहा तो मैंने लोगों को बहुत मशवरे लाने की कोशिश की थी। तो आखिर मैं इस मशवरे से पहुंचिया कुछ ठोकरों के बाद समझदार हो गया। अब दिल को मशवरों की ज़रूरत नहीं रही। मैंने जब अपना पहला इनको डे शुरू किया बड़ा ही बहुत ज़्यादा पटाखिक आया, वन मैन शो आया। खाली मैं आया मरहूम सलाउद्दीन साहब आए तो देखना चाहता रहे टीम ही जिस डायरेक्टर भी मैं आईया, प्रोजेक्टर भी मैं आईया, एक्टर भी मैं आईया, सब कुछ मैं आईया। उसके बाद इनको डे के बाद फेसबुक मैंने देखना छोड़ दी थी कि फेसबुक पे मेरे नाम के नाम इतने माशाल्लाह खूबसूरत लकबात होंगे कि मैंने 6 महीने तक फेसबुक पे नेट देखना छोड़ देता है। इतना ज़्यादा हेल्दी क्रिटिसिज्म उन लोगों से बड़े लिखे लोगों की तरफ से हैट्स ऑफ टू देम कि जिन्होंने बड़ा हेल्दी क्रिटिसिज्म किया कि वर्ड के होता कि लाभ पके इनको चारा वस्ते दे। लेकिन एनी हाउ कम तो करना आया तो कम तो मैंने करना आया तो कम मैंने शुरू किया है। सबसे पहले असं दीन से शुरू करने कि सानू दीन कहता है कि दीन जब दरवाजे पर आंदा है, जब मर्द दीन सीखता तो दीन दरवाजे पर आंदा है, तो जब औरत दीन सीखते तो दीन घर के अंदर आंदा है। इसी तरह सर जब तक एक औरत इनको ना बोलती उसका बच्चा के इनको बोलती। मेरी मेरे ना जिस तरह मसला है कि मेरी माँ यूनाइटेड प्रोविंस से उसने उर्दू आंदी नहीं, लेकिन फिर भी उसने सानू इनकरेज जरूर किया वे कि तुम अपने चाचा नाल मामिया नाल मामिया चाचा ने इनको बोलो सानू डिस्करेजमेंट दिती नहीं दिती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम साढ़े न इनको कम जितना कम से कम हो मैं थोड़ा टाइम लेवा क्योंकि मैं लर्नड पर्सन नहीं है अपनी लैंग्वेज के वाले से। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अदनान गुल साहब की, ज़ियाउद्दीन साहब की, फिर अपनी लिटरेरी चेयरमैन डॉक्टर मकबूल इलाही की कि जिन्होंने ऑल्दो के पठान होंगे भी मैंने इनको देते बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। दो तीन गलां जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिए, एक जो मैं अक्सर फेसबुक पर भी अजकल दे रही हूँ ब्रोकर उर्दू साढ़े मैं बहुत इंजीनियर सिटी फिर रही हूँ, मैं डोर टू डोर फिर रही हूँ तो मैं लोगों को मना कर दी कि या तुसी अपने बच्चों ना उर्दू बोलो तो या तुसी बच्चों ना अपने पिछोरी बोलो। ये बोलना कितना अजीब है कि पौड़ियों पर बहुत अंधेरा है। इतने फनी अल्फाज मिलते हैं कि मतलब तुम ना असी तितर रह गए ना तो असी बटेर रह गए। दूसरी सुनो मैं गल एक बतावा कि असी लोग अपनी नौवां करके लियाने बच्चियां करके लियाने। पहले जमाने जब असी नौ आपकी करके लियाने तो उन्होंने अपने अच्छे नाम देने वोटी भी कहने चाची भी कहने आप वोटी कहने वह गरीब डोली सी वोटियां भी तरह निकल दियाँ तो ताबूत वोटियां की तरह चली जाएँ तो सारी उम्र वो वोटियों की तरह एक शर्माई एक हयादार जिंदगी गुजार दी। अब साड़ी नौवां जिस तरह गड्डिया वो गड्डिया सी लेंदियां तो उन्होंने किटी तो पिटी के नाम दिते जाते तो उन्होंने तो दूसरी दिन लैके तो जवाइया नसना ही ना नडिया नसना ही ना। फिर तुम क्यों कंप्लेन कर दो कि साढ़ा
ਸਾਡੀ ਜੁਆਈ ਜੁਆਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈਏ ਕਿ ਸੁਹਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੁਹਾਣੇ ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਗਿੱਠੀ ਪਿੱਠੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ पढ़नी आने बार बार चलवोदिया का भी जिक्र किया पिशोर किस तरह में बड़ी बहुत ही खूबसूरत नजम है उन्होंने बार बार चलगोजिया का जिक्र किया तो मैंने अंग्रेजी साहब ने कहना कि चलगोजा का जिक्र न करो चलगोजे हम बहुत ज्यादा महंगे हो गए द टाइम हैज गॉन कि जो फ्रिज बैठ के चलगोजे खाने हैं बहर लास्ट कॉन्फ्रेंस जो है कन्वीनियर जिया साहब की बड़ी मेहरबानी है कन्वीनियर उन्होंने मैं सिलेक्ट किया उन्होंने मैंने औरतों से बार बार ये प्रेशर पाया कि तुम अपने बच्चों इंगो बोलो शर्म पठान पश्तो बोलता नहीं शर्मांदा अरबी बोलता नहीं फड़क ये लोग दुनिया के चाइनीज जिधर जाते अपने ट्रांसलेटर ले जाते कि अपनी जुबान बोले तो वह मैं अपने कार्य करनी कि सू फड़की पई है दिस इज अ प्रॉपर वर्ड कि सू फड़की पई है कि असं पिछोरी नहीं बोलियां साड़ी किस चीज़ का कॉम्पलैक्स है साड़ी किस चीज़ की कमी है मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश जब पहले मैंने शुरू किया है तो कुड़ियां मैं देख के दौड़ जाएंगियां कि मैडम फिर वो तेरी मेरी हमाई करने को कहेंगी लेकिन खैर एक दिन मैं बहुत खुशी हुई मैं हेमोलिटिक एनीमिया से पढ़ानी हाँ तो उस मैंने कुड़ियों को कहनी हाँ कि इट इज मौसम टाइम इट इज कॉल्ड बाय द क्रैब तो मैंने उन्होंने किया कि वह क्रैब मैं उर्दू कहना चाहनी हाँ तो पिछों से जोर की आवाज़ आई है मैडम साड़ी जबान जो अठुआ कहते हैं उस मैं पता लगे टूडे आई वॉन्ट अगेन कि कुछ चीज़ा इन्होंने पुराने सारे जितने भी इंसान ने ड्रामेटाइज किया है लोगों को बताया है मैं अज तक समझ नहीं कि बीजो की कबर है बीजो है इन्होंने ड्रामे के बाद मैं पता लगा कि बीजो की कबर है बीजो है तो यू नो ये ड्रामे करके लोगों को स्किच करके लोगों को बताओ कि साड़ी कितनी लैंग्वेज हेल्दी है तो सू इस कितना ज्यादा काम करना है मैं सुनने का सा बहुत बहुत शुक्रिया सोने मैं टॉलरेट किया मैं कोई स्कॉलर नहीं गया मगर मेरा छोटा एक्सपीरियंस आया जो मैंने शेयर करना है बहुत बहुत